भारत सरकार में मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी आप लोगों को संबोधित करेंगी। मीडिया के सभी मित्रों को मैं आभार व्यक्त करती हूं कि आप प्रातः आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू आवर फ्रेंड्स इन द मीडिया हु हैव बीन काइंड इनफ टू असेंबल हियर दिस मॉर्निंग फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5,30,00,000 से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? क्या ये सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंटों से 15,50,00,000 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश यह हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने यह कबूल किया कि यह पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। ये तथ्य चौंका देने वाला है कि जिस
शुभम सोनी के बारे में असीम दास ने स्टेटमेंट दिया है, एविडेंस ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास शुभम सोनी की आवाज में भी उपलब्ध है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। एक और चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है, महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स जो प्रशासन से और कांग्रेस के नेताओं से संरक्षण चाहते थे, वो चंद्रभूषण वर्मा नामक एक ऑफिसर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मनी भेजते थे। चंद्रभूषण वर्मा ने अब तक 65 करोड़ रुपया घूस के माध्यम से, ब्राइब के माध्यम से महादेव के ऑनलाइन बुक प्रमोटर्स के संरक्षण के लिए हैंडल किया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल सर्च में 450 करोड़ रुपए की अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल एंड शॉकिंग एविडेंसेस रिगार्डिंग यूज ऑफ हवाला ऑपरेशंस एंड इलिसिट मनी एमिनेटिंग फ्रॉम दुबई बाय इलीगल बेटिंग ऑपरेटर्स टू फंड द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन छत्तीसगढ़ हैव कम टू द फोर। इट इज विद अ डीप सेंस ऑफ आउटरेज that I pose the following questions to Bhupesh Bagel. Is it true that Asheem Das has been arrested, a gentleman who was under instruction to take money
and help fund the elections for the Congress party. Is it true that Ashim Das was under instruction, specifically called to Dubai to deliver cash to Bhupesh Baghel? Is it true that apart from the 5 crore 30 lakhs that has been recovered, the seizure of various bank accounts has resulted in a total balance of 15 crores 50 lakhs frozen under the Prevention of Money Laundering Act 2002. What is extremely shocking is the belief that the investigation agencies are in receipt and possession of a recorded voice message from one Shubham Soni instructing Mr. Asim Das to specifically and urgently go to Raipur to supply funds to Baghel for the elections of Chhattisgarh. Shubham Soni, in his written admission, has stated that till now, over 500 crores has been given in bribes for political protection by the illegal betting racket, namely the Mahadev online book promoters in Chhattisgarh. However, this is not, I believe, the only evidence available. There have been other arrests as well. One of Chandrabhushan Verma, who has admitted to being a bridge between Mahadev promoters and the Chhattisgarh political executives to ensure protection from Chhattisgarh police. Upon arrest, Chandrabhushan Verma has admitted to have handled 65 crore rupees of bribe amounts. I would also like to here highlight that multiple searches, recorded statements have also led to seizure of proceeds of crime worth 450 crores. In the electoral history of our country, never before has evidence come forth which clearly indicates that hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai by looting the poor has been utilized by the Congress leadership to fight an election. Bhupesh Baghel has keenly bet on proceeds of crime, has redefined corruption, and overwhelming evidence from investigations across the country, including in states that are not governed by the BJP, now politically indict
the Congress leadership. I would now leave the floor open for questions. Akhilesh Singh. मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं, जुलाई 2022 छत्तीसगढ़ पुलिस थाना मोहन नगर दुर्ग की ओर, जहां पर एक एफआईआर के अंतर्गत ऑनलाइन बेटिंग में इन्वॉल्व होने वाले कई व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है। दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं आंध्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की ओर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में इलीगल बेटिंग के संदर्भ में 2/6/2023 में एफआईआर रजिस्टर की। आपको ज्ञात है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो क्या भूपेश बघेल का यह आरोप है कि वो अपने खिलाफ साजिश रच रहे थे? छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र प्रदेश की पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, मैंने चंद्रभूषण वर्मा के संदर्भ में आपके सामने जो तथ्य रखे, उसमें स्पष्ट है कि पुलिस की तहकीकात से संरक्षण पाने के लिए विशेष ब्राइब्स भी दिए गए। तो क्या चंद्रभूषण वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस झूठ बोल रही है? क्या सीम दास द्वारा संचालित 5,30,00,000 रुपया शुभम सोनी का वॉइस रिकॉर्डेड एविडेंस, क्या ये सब झूठ है और सिर्फ भूपेश बघेल सही है? मैं आपके सामने दो प्रश्न रख सकती हूं। एक, ये मामला आज कल या परसों का नहीं है। मैंने एक एफआईआर का आपके सामने उल्लेख किया जो 2022 की एफआईआर है। ऐसा क्यों है कि 2022 से जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे और तब से लेकर कल तक जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा था, क्या पुलिस की इकाई में छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं था जो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक एक साल से ज्यादा ये तथ्य नहीं ला रहा था? आप मुझे कह रहे हैं कि चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सोनी, ये सारे लोग 500, 450, 65 करोड़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में पैसे देने की बात कबूल करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स और रिटन सबमिशन की बातें कही गई हैं मीडिया में भी, तो क्या मीडिया, दो प्रदेशों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन सबसे बेखबर हैं भूपेश बघेल? छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटर से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक संरक्षण में नहीं चलते। तो क्या भूपेश बघेल अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो क्या भूपेश बघेल ये स्वीकार करते हैं कि चंद्रभूषण वर्मा द्वारा 65 करोड़ ठीक था, असीम दास का 5,50,000,000 रुपया 30,00,000 रुपये वो ठीक है,
सिर्फ 508 के एक राशि पर उनका प्रश्न चिन्ह है, बाकी सब ठीक है क्या? 65 करोड़, 450 करोड़, 5 करोड़, 30 लाख से ज्यादा, 15 करोड़ की फ्रीजिंग बैंक अकाउंट में, क्या भूपेश बघेल का ये मानना है कि ये सारी राशियां ठीक है, सिर्फ 508 करोड़ की राशि पर उनको डाउट है? मैं पुरानी वापस अपनी बात को दोहरा रही हूं भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन एफआईआर्स पर जो विविध राज्यों की पुलिस ने एविडेंस के माध्यम से कलेक्ट करके प्रस्तुत किया है। तो क्या भूपेश जी का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ की सरकार, आंध्र की सरकार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, भूपेश बघेल जी क्या स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है 508 पर संदेह है, लेकिन 450 करोड़ जो पकड़ा गया है, 65 करोड़ रुपया जो चंद्रभूषण वर्मा कह रहे हैं, असीम दास का 5 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो दुबई के उनके लोगों के माध्यम से निर्देशित किया गया कि रायपुर में जाकर बघेल को दो, क्या वो पैसे ठीक है? चंद्रभूषण वर्मा सरकारी मुलाजिम है, जिन्होंने ये कबूल किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वो लायजनिंग का काम करते थे और पैसा बांटते थे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्ट करे। तो आपने जो स्टिंग किया और जो एविडेंस बरामद हुआ है वो आपको साफ बतलाता है कि सत्ता में रहकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश जी ने, जनता के सहयोग से नहीं, हवाला ऑपरेटर के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।